तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल ही मुझे मिल गया है बीटा कोड और मैं खेल रहा हूँ अभी प्रोजेक्ट इवो। सो गाइस प्लीज हिट लाइक इफ यू लाइक दिस गेम। तो मैं अभी लकड़ी काट रहा हूँ क्योंकि मैं कल कोई खास परफॉर्म नहीं किया था। मैंने एक्स बनाया है लकड़ी काटने के लिए। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए यार, लकड़ी काट लो, पहले हाथ से मारो और एक्स बना लो। और मैंने कुछ लकड़ी काटा और मुझे घोड़े का जरूरत है। ओ सामने घोड़ा था, सैडल मैं एक दो बना लेता हूँ क्योंकि इसके लिए लकड़ी ही चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत जगह जाना है और रिसोर्स इकट्ठा करना है। और मैं नज़दीक आ गया हूँ, मुझे बाइट जाना चाहिए यहाँ पे। ये क्या है मैं थोड़ा देखूँ, पंपकिन है, इसे मैं खाऊंगा तो इसे ले लेता हूँ। और मुझे बाइट जाना चाहिए क्योंकि अगर इसने देख लिया तो ये भाग लेगा यहाँ से। अब मैं इसके नज़दीक जाना जाते हुए इस पर चढ़ना होगा मुझे। ओके टेम, टेम में क्लिक किया और मैं यहाँ पे अपना जो ऊपर वाला बार है उसको ग्रीन रखना है, रेड में मत नहीं जाने देना है। और धीरे धीरे ये टेम हो रहा है, देखो नीचे बार भी चल रहा है कितना परसेंट वो टेम हो गया है। जब ये टेम हो जाएगा तो ये आपको नीचे नहीं उतारेगा। अगर इसने नीचे उतार दिया आपको तो समझ लो कि आपको दोबारा से एक सैडल बनाना होगा, क्योंकि वो सैडल कोई काम का नहीं पहले जो बनाया। तो कोशिश करना आप गिरना मत। ये क्या है, ये स्टोन है, वाइट कलर का जो पत्थर देख रहे हो इस तरह से ऊंचा पत्थर, वो स्टोन है। और जो नीचे तरफ से रहता है उससे कुछ नहीं निकलने वाला। लगेगा कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा कि यहाँ भी स्टोन होगा, बट ये ऊंचा है। जिस पत्थर से कलेक्ट किया जाएगा उसका रूप रंग देख लो भाई कैसा होता है। तो हमने स्टोन इकट्ठा कर लिया और एरो बना लिया, क्योंकि मुझे डर है कि सामने से कोई भी आता है यार चिपका जाता है, मतलब यार बार बार मार देता है। आज अभी मैं बहुत डर डर के खेल रहा हूँ। और चलो घोड़े में बैठ जाओ, टिडिक मैं चले जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ मुझे कुछ और भी मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सारे सामान को पहले रख देना चाहिए मेरे घर में बेस में, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ मेरे मतलब मुझे मारता है और मेरा सामान लेकर चल देता है यार। तो ये देखो लाल वाला पत्थर, ये बहुत अच्छा पत्थर है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन ओर है। लाल वाला पत्थर को मतलब जहाँ भी देखो ना, तो फर्स्ट पीरियड में इसे छोड़ना मत, इसे ले लिया करना। तो मेरा सिस्टम सीधा सा है, जब मैं पत्थर काटने जाता हूँ तो पत्थर काटता हूँ, और जब मैं स्टोन काटने जाता हूँ तो वो सब चीज़ें इकट्ठा करता हूँ। आज मेरा काम है इकट्ठा करना, मैं सब कुछ इकट्ठा करूँगा और अपने घर को थोड़ा और मजबूत बनाऊँगा। कोई खास घर तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा अच्छा करना बाकी है। ये देखो लाल वाला पत्थर फिर मुझे मिल गया। ओ माई गॉड, आज लक अच्छा चल रहा है। और देखो मैं पिकैक्स से इसको फार्म करता हूँ, ये कुल्हाड़ी इस पर काम नहीं करने वाला। मेरा पिकैक्स टूट गया, मुझे लगता है अगला बनाना पड़ेगा। तो देखो यार मुझे बनाना पड़ेगा, एसेंशियल्स में जो क्राफ्टिंग का जो मेन्यू है एसेंशियल्स में ही आपको बन जाएगा। और पुराना मैं फेंक देता हूँ क्योंकि ये तो वैसे भी सस्ता वाला है, अगर महंगा वाला रहता तो मैं रिपेयर भी करता। तो पुराना वाला मैं रखता नहीं हूँ, पुराना वाला फेंक देता हूँ। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि पुराना वाला को क्या करना चाहिए तो वो मुझे बता देना कमेंट में। तो इसे मैंने इक्विप कर लिया अपना हॉट बार में, और इसे मैं यहाँ से चालू करता हूँ, इसे ले लेता हूँ। ये जितना भी आयरन ओर मिलने वाला है इसे ले लेंगे, क्योंकि हमें इसे फर्नेस में डालना होगा। अगर हमने फर्नेस में सारे आयरन ओर डाल दिया तो हमें आयरन का बार मिल जाएगा, और माय गॉड उसका जो एक 100 आयरन बार यूज़ होता है एक वाल में, एक वाल बनाने में गाइस। तो अभी मुझे यहाँ कॉटन मिल गया, कॉटन भी ले लिया करना, ये बेस्ट चीज़ है। मैंने लिया क्यों नहीं पता नहीं, तो कॉटन भी बेस्ट चीज़ है क्योंकि उससे आप बैंडेज बना सकते हो। जब भी आपको डैमेज मिले तो आप अपने आप को हील कर पाओगे गाइस, और ये बेस्ट चीज़ है। अभी तो मैं अकेला खेल रहा हूँ, लेकिन मुझे भी एक टीम का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन मुझे टीम कुछ ऐसा चाहिए होगा जो मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने में डिस्टर्ब ना करे और हेल्प ही करे, तो ज़्यादा अच्छा। तो गाइस यहाँ देख रहा हूँ एक हिरन है यार, ओ माय गॉड, देखता हूँ इसको मारता हूँ। ओ यार 75 का डैमेज, माय गॉड, ओ इतना स्पीड, भाग गया यार, भाग गया भाग गया, ये भाग जाएगा, भाग गया, मार यार मार मार, ओ माय गॉड ये भाग गया। मेरे मतलब मैं तो सच में नूब ही हूँ, मेरे से तो कुछ होना है नहीं। इसको भी 75 का डैमेज दिया, लेकिन जब तक मैं दूसरा मैं चलाऊंगा तब तक मैं भाग लिया यार, कोई सामने उसका डैमेज ले लिया ये इस वाले हिरन ने। यार मेरे बस की बात नहीं है कि हिरन मार के खा सकूं, वैसे भी मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया में अगर मैंने हिरन मारा तो सच में कहता हूँ मुझे जेल पड़ेगा। लेकिन क्या है कि गेम है यार, गेम में हिरन दिया है तो मार सकते हो, लेकिन यहाँ गेम में जेल वेल होता नहीं होगा, कोर्ट वोट होता नहीं होगा, तो हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा।
तो अभी यहाँ पे क्या है कि अभी फिर से मुझे स्टोन मिला है, मैं स्टोन ले लेता हूँ यार। स्टोन मुझे बहुत काम आएगा क्योंकि मेरे जो वुड का जितने भी वाल है उसको स्टोन में बनाऊंगा, स्टोन को तब आयरन का बना पाऊंगा। आप कहोगे कि यार वुड का वाल को डायरेक्ट आयरन का वाल बना दूंगा, नहीं हो पाएगा गाइस। पहले स्टोन से वुड से स्टोन जाना होगा, स्टोन से फिर आयरन में जाना होगा, वन बाय वन ये अपग्रेड होता है। ये सामने हिरन पड़ा हुआ है लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा, मुझे पता है यार, मैंने कोशिश कर लिया। तो अभी चलो भाई अपना घोड़ा को भगाते हैं बिल्कुल 40 की स्पीड में, और मुझे फिर से मिल गया है ये नाइट्रेट ओर है यार, इससे ना कुछ एक्सप्लोजिव बनता है। नहीं ये आयरन ओर ही है, सॉरी मुझे लगता है लगा नाइट्रेट ओर होगा। आयरन ओर का कलर जो है ना, आयरन वाला जो पत्थर होता है वो लाल होता है गाइस, तो वो दूर से पता चल जाता है। तो उसे अगर आप ले लोगे तो आयरन बहुत अच्छा खासा रखना चाहिए क्योंकि आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगा इस चीज़ का। और जो सामने जो कुछ फूड्स हैं, ये पम्पकिन्स वगैरह मिलते हैं, उसे भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। फर्स्ट टाइम तो आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा बेसिक्स में। ये रहा मेरा घर यार, कुछ खास मॉडल नहीं है, बस जैसे हुआ वैसे बना लिया इसे। और बाहर मैंने ट्यूबवेल लगाया है, मुझे रिसर्च करना पड़ा, रिसर्च करना पड़ता है दोस्तों। वर्क बेंच में आपको वर्क बेंच शुरू के टाइम में जितना जल्दी हो सकता है बना लेना, क्योंकि ओके इसे मैं घर के अंदर करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ओ नहीं ये घर के अंदर नहीं जा रहा है, और ये मतलब मैंने जंप भी कराया नहीं गया यार, तो कोई बात नहीं है। तो रिसर्च करके मैंने ट्यूबवेल बनाया था, पानी भी पी लिया, अभी ओपन किया डोर और क्लोज करूंगा डोर। यार पहले में क्या था, ऑटोमेटिक हो रहा था, मैंने उसका भी वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप उसे देख लेना। ऑटोमेटिक मुझे ओपन जो हो जाता था डोर, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना फर्नेस में सारे आयरन को पिघलने के लिए। ये इधर पिघलेगा तब तक मैं दूसरा काम करूँगा यहाँ। और नाइट्रेट वाला तो वो लिया नहीं मैं, मतलब वो वाला स्टोन मुझे मिला नहीं था, लेकिन हाँ मेरे पास जितना भी स्टोन है उसका यूज़ कर लेता हूँ गाइस। देखो सामने कुछ कुछ दीवार अभी भी स्टोन के हैं, तो इस पे नहीं, मतलब मुझे स्टोन रख देना चाहिए, या एक काम करता हूँ ले ही लेता हूँ उल्टा जितना भी स्टोन है। और मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ वुडन वाल होगा ना उसको उसको स्टोन वाला बना दूंगा। देखता हूँ अंदर चलता हूँ, इसे भी खोलता हूँ अंदर चलता हूँ। यहाँ देखो भाई अभी भी वुडन का बहुत सारा चीज़ है, जैसे मेरा सीढ़ी देखो अभी भी वुडन का है। खोलो अपना ब्लूप्रिंट नक्शा देखो और करो यार इसको अपग्रेड। कर दिया, इसे भी अपग्रेड करो और अपग्रेड करो। आपके पास चीज़ें होना चाहिए, बस अपग्रेड करना है, ऐसे नहीं कि भाई पहले बनाना है फिर लगाना है, ऐसा नहीं। ऐसा मुझे आर्क में करना होता था, सब चीज बनाओ फिर से उसे लगाओ, यहाँ कुछ नहीं है यार, डायरेक्ट लगाओ, आपके पास रिसोर्स होना चाहिए। सो गाइस फुल्ली फोकस करना है रिसोर्स इकट्ठा करने में। मैंने जितना भी मतलब मैं देखता हूँ कितना मैं अपग्रेड कर पाता हूँ फ्लोर्स को, इससे क्या होगा कि नीचे वाला जो जितना भी चीज है मेरा थोड़ा ज्यादा सेफ हो जाएगा, क्योंकि वुड का जो है हिट पॉइंट 500 है, स्टोन का 1000 है, और आपका जो आयरन वाला है उसका 1500 हिट पॉइंट है। तो गाइज जल्दी जल्दी हम लोग 1500 में पहुंच जाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा होगा, जल्दी कोई रेड नहीं कर पाएगा। रेड करना एक्चुअली जल्दी तो नहीं, मतलब कर तो लेगा ही लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रेड करना उन लोगों के लिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग नीचे चलते हैं, अभी हमारे पास सामान ख़त्म हो गया है लगभग, और देखते हैं कि कुछ स्क्रैप वगैरह इकट्ठा कर पाएंगे तो हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। स्क्रैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ भी हमारा कुछ स्पेस है, देख लो यहाँ भी मैंने यहाँ पे करना चाहिए या नहीं अपग्रेड पता नहीं, बाद में करूँगा। लेकिन अभी चलो यार अपना घोड़ा में बैठते हैं, और चलो यार मुझे पानी पी लेना चाहिए क्योंकि मेरा पानी का लेवल कम है। मैंने पहले ही ट्यूबवेल बनाया है, मेहनत करके थोड़ा पानी चलाते हैं बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। ओ माई गॉड पानी आ गया बिल्कुल हरा हरा नीला नीला, इसका जो मतलब जो लुक है यार बेहतरीन है। ऐसा गेम जो है मतलब क्या कहूँ, 21वीं सदी का ना बेस्ट गेम होने वाला है। रस्ट मोबाइल जैसा, रस्ट जैसा गेम अगर आप खेलना चाहते हो मोबाइल में तो सच कहता हूँ प्रोजेक्टिवो। इसका इतना बड़ा मैप है, इतना बड़ा मैप है यार, मुझे रेड रेड पाइन रेंच में जाने में भी टाइम लग जाता है। सोचो ये सबसे नज़दीकी है फिर भी यहाँ जाने में टाइम लग जाता है। तो थोड़ा यहाँ मैं क्या करूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ? नहीं चलो तब तक बातें करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है हम लोगों ने मतलब बहुत मस्ती किया यार इस गेम में। मुझे बीटा कोड एक्सेस कोड जो है जल्दी नहीं मिल पा रहा था, मैंने जबकि क्वेश्चनरी फॉर्म भर के रखा फिर भी नहीं मिल रहा था, तो
तो मुझे क्या हुआ कि जेहन गेमिंग ऐसा कोई एक अपना बहुत अच्छा, मैं उसे फॉलो करता था, उसको क्या हुआ कि उसने जीत लिया यार कॉन्टेस्ट, उसने जीत लिया, उसको मिला 20 कोड, उसने गिव अवे कर दिया। उस मैं उस पर भरपूर नज़र रख रहा था, उसने जैसे जीता तो मुझे लगा, मैंने उससे मांगा, पर्सनली मांगा, तो उसने बोला कि भाई पर्सनली तो नहीं दूंगा लेकिन गिव अवे मैं करूंगा, आप वहां से ले लेना। उसने एक बार में 20 कोड फ्लैश किया। मैंने क्या किया कि 20 कोड, मुझे डर था कि ऊपर से लोग तो भर रहे होंगे, नीचे से भी कोई लोग भर रहे होंगे, मैंने बीच से कोई एक कोड उठाया, तुरंत भर दिया, क्योंकि यार एक बार कोई एक्टिवेट कर लिया तो वो यूज्ड में चला जाता है। मैंने बीच से एक कोड निकाला और भर लिया और मेरा एक्टिवेट हो गया, क्योंकि मुझे गेम प्ले वीडियो बनाना था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं आ गया हूँ यार इस जगह, और मेरा एक्टिवेट हो गया, और मैं उस गेमर का, उस यूट्यूबर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे भी अगर कभी कोड मिलेगा तो मैं पहले से ही अनाउंस करके रखूँगा कि कोड आ गया है। कोड मैं एक बार में नहीं, 5-5 करके ऐसे करके दूंगा, अगर मुझे मिलता है तो, जब नहीं मिलेगा तो भाई ऐसे ही करकी है यार, क्या कर सकते हैं। यहाँ कुछ मिल नहीं रहा यार, इस घर पे आए बहुत मेहनत करके कुछ भी नहीं मिला यार, यहाँ पे आए तो बहुत मेहनत से लेकिन कुछ भी नहीं। चलो इस ड्राम को फोड़ते हैं, कुछ मिलेगा यार। ड्राम में तो स्क्रैप रहता है, लेकिन ये ड्राम फट नहीं रहा है, मतलब ये ड्राम फटने वाला नहीं है। फटने वाला ड्रम का लुक कुछ और, ये वाला नीला वाला ड्रम तो फटता है, मुझे पता है, इससे मैंने बहुत बार स्क्रैप इकट्ठा किया है। स्क्रैप का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है गाइस, उससे क्या होता है, देखो भाई कई सारा चीज़ मिल रहा है, जो भी चीज़ मिले लूट लो, बस छोड़ना मत, क्योंकि सब चीज़ का यूज़ है यार। ओके, कुछ भी छोड़ना नहीं। हाँ, अभी अपना घोड़ा में देखते किधर, अच्छा सामने मेरा घोड़ा है, इस पर मैं बैठ लेता हूँ यार, मैं बैठ के कहीं देखता हूँ किधर चलता हूँ यार, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो सामने एक घर है, मैं चलता हूँ उस साइड। ओके, उस साइड घर है, हो सकता है वहाँ कुछ मिले, क्योंकि कोई खास यहाँ मिला नहीं हमें, तो उस घर के पास चलते हैं यार। रात के टाइम पे कोई भी आकर के अगर मार दिए तो गड़बड़ हो जाएगा यार, अपने पास स्क्रैप्स भी है, कोई लूट लेगा अपना स्क्रैप, कोई खास स्क्रैप्स तो नहीं है बहुत ज़्यादा। ये घर पहले से ही खुला हुआ, लगता है कोई लूट लिया है, या तो हो सकता है कि ऐसा ही है ये घर। और यहाँ कुर्सी बहुत अच्छा है यार, सामने लैपटॉप वगैरह, ओ उस ज़माने में क्या लैपटॉप हुआ होगा, क्योंकि बाद में देखो यार यहाँ पर क्या हुआ कि जॉम्बीज हो गए यार, सब इवोल्व हो गया, हमारे जो ज़माना था ना, मतलब वो लोग ख़त्म हो गए, मारे गए, जॉम्बीज बन गए, कुछ लोग बचे हुए, जैसे उनमें से एक मैं भी हूँ, अभी मैं बचा हुआ हूँ और अपना घोड़ा टेम किया हुआ हूँ, इस घोड़े में बैठ करके इधर से उधर चलता हूँ, मज़ा आ जाता है यार घोड़े में चलने में, क्योंकि खुद से चलता हूँ तो थक जाता हूँ बहुत। ये पुलिस वैन है, ओ माय गॉड, पुलिस वैन भी कोई खास मुझे नहीं लगता है फंक्शनलिटी है इसमें, जाकर देखते हैं। चल नहीं, ये तो बिल्कुल फटा सटा हुआ है, सामने से ही मतलब रद्दी हो गया है ये उसका, लेकिन लाइट अभी भी जल रहा है, बैटरी अभी भी चार्ज है, क्या बात है। इस पे क्या है, ये नहीं टूटने वाला, मैं भी गमता रहता हूँ कि कुछ से कुछ टूट जाए, कुछ से कुछ मिल जाए, कुछ होने वाला है। ये हटेगा क्या, नहीं हटने वाला यहाँ से। और वहाँ बॉक्स है, यस इसमें तो कुछ मिलेगा, एक्सप्लोर करते हैं इसको। बेसिक फैसिलिटी बॉक्स है यार, इसमें कुछ अलग अलग स्टाइल का चीज़ मिला है, थोड़ा अच्छा चीज़ मिला। और इस पे देखते हैं उधर भी कुछ, ओके इस पे कुछ नहीं है, मतलब इस घर में मुझे एक बॉक्स मिला। बॉक्स लूटना भी अच्छी बात है यार, बॉक्स लूटो तो जल्दी अच्छे अच्छे चीज़ें मिल सकते हैं। तो मुझे एक अच्छा आइडिया आया है कि बॉक्स लूटने का भी बहुत अच्छा अच्छा सीरीज बना सकता हूँ अगर चाहूँ तो। अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, उधर पानी का टंकी है, चलो पानी का टंकी, यहाँ रिफाइनिंग का कोई चीज़ रहा होगा, कोई फैक्ट्री टाइप है ना, मैं नहीं जानता कि इस तरह का टंकी किस में लगता है, ऑयल फैक्ट्रीज में लगता होगा है ना, आई डोंट नो, फुल्ली तो मैं जानता नहीं हूँ। और ये देखो एक कार है, इसमें कुछ है नहीं यार, चलते हैं यार जल्दी से अपने घोड़े पर बैठते हैं, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है कोई आएगा अपना चटका के चला जाएगा और बिल्कुल फ़ायदा में रहेगा। मुझे तो अपना तीर का निशाना भी नहीं आता यार, एक हिरन नहीं मार सकता हूँ तो और क्या करूँगा, इससे कुछ फटवट के निकल जाए, नहीं होने वाला, ये भी नहीं फटने वाला, लेकिन लुक अच्छा दिया है यार, देखने में अच्छा लग रहा है। अनरियल इंजन के ऊपर बना हुआ, अनरियल इंजन 5 में बना हुआ प्रोजेक्ट इवो गेम, सच में कहता हूँ आपका दिल जीत लेगा। मुझे नहीं लगता है कि आप कोई दूसरा गेम खेलने वाले हो, अगर ये गेम आपने, आपको जब ग्लोबली रिलीज हो जाएगा, जब आपके मोबाइल में होगा, तो मुझे लगता है कि आप खाना वाना त्याग दोगे और बिल्कुल इसी गेम में घुस जाओगे। तो क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ, ये जॉम्बी यार सामने जॉम्बी था, और यहाँ गाय भी है यार, गाय भी है, ओ माय गॉड गाय भी है,
एक दो गाय पकड़ के ले जाए और दूध वूध निकाल के पिएंगे तो अच्छा विटामिन मिलेगा, ताकत मिलेगा, लड़ने में फायदा होगा। पता नहीं वो कर पाएंगे कि नहीं, वो होता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये फार्मिंग गेम नहीं है उस टाइप, अब रस्ट टाइप का गेम है। ये देखो सामने जॉम्बी है यार, ये जॉम्बीज मुझे छोड़, ओह शिट, सामने जॉम्बी है। इस घर में लाइट वाइट जल रहा था तो मैं सोचा आता हूँ इसके पास, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही जॉम्बीज है यार, ये जॉम्बीज मेरे ही ओर भाग रहे हैं। भागो यार, अपना बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ यार, अरे यार जान बचाओ, चलो यहाँ से भागो। ओह माय गॉड, भागो भागो यार भागो, ओह ओह अरे भागो, कोई आ रहा है पीछे से क्या? कुछ तो यहाँ पर सिग्नल लगा हुआ है यार। ओ माय गॉड, इसने तो बढ़िया डैमेज दिया यार, बिल्कुल मतलब 83 कर दिया डैमेज, मतलब जॉम्बीज का भी अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। मुझे आर्मर बनाना पड़ेगा, आर्मर कैसे बनेगा, क्या क्या चाहिए, उस चीज़ को पर भी फोकस करना पड़ेगा। चलो धीरे धीरे गेम पर, यहाँ चिकन है यार, चलो मुर्गी का कुछ बनाते हैं, कीमत मतलब क्या कहते हैं उसको यार। चलो ये गाय भाग रही है, मतलब उधर से कोई आ रही है। हाँ वो देखो, वो तो जॉम्बी है, चलो मारते हैं इसको, मारते हैं, मार पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हिरन को तो नहीं मार पाए। एक डैमेज दिया यार, 70 का डैमेज दिया यार, नाइस। चलो और भी डैमेज देते हैं, ये ख़त्म। चलो यार उससे लूट लेते, नहीं यार वेस्ट कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं है, देख आए कुछ नहीं, बॉडी कहाँ गया यार, जॉम्बीज हो इसका बॉडी, मतलब कुछ तो मिलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, सिंपल जॉम्बी रहा होगा, कोई बड़ा जॉम्बी मारूंगा तो हो सकता है कुछ मिल जाए। ये मुर्गी को मैंने सोचा था कि मारूं एक मुर्गी, तो देखता हूँ कितना एरो लगता है एक मुर्गी, इससे कटेगा क्या? नहीं कट रहा है यार, इससे मुर्गी नहीं मरने वाला, आप कितना भी मारो इससे नहीं मरता है यार। ओह ये देखो, मैं भी पागल हूँ यार। चलो आप एरो लेकर चलते हैं, एरो से देखते हैं ये मरता है या नहीं। नहीं लगा यार। चलो और एक बार ट्राई करते हैं। ओह माय गॉड, एक एरो में ख़त्म, मतलब मुर्गी मारना आसान है। सामने जॉम्बी है बेटा, भाग ले बेटा, मीट उठा रहा, अंडा उठा रहा, भाग ले बेटा। ओह माय गॉड, ये मार देगी तुमको, लगता तो नहीं है, नज़दीक से भी नहीं मार पाते हो यार, क्या बात है। ये जॉम्बी ना मतलब बिल्कुल हाथ मारती है इसे, खाँ खाँ, मतलब क्या यार। भागो यार, अपना जान बचाओ, क्योंकि एक जॉम्बी मारने से तो रहा है, एक हिरन नहीं मार सकते, जॉम्बी क्या मारोगे यार। ओके चलो देखते हैं कहाँ गया जॉम्बी यार। ओ पीछे किधर है, किधर गया जॉम्बी, गया किधर? चलो तब तक मुर्गी मारते हैं, जॉम्बी नहीं तो मुर्गी मारते हैं। कुछ अंडा वगैरह मिलता है यार इससे, हो सकता है अंडा में कुछ ज़्यादा एनर्जी हो, एक ही तीर में भी मर भी जाता है, आसान है यार। और बोन भी मिल जाता है, बोन से हम लोग ग्लू बनाएंगे, क्योंकि दो बोन लगता है एक ग्लू बनाने में। यार ये तो पीछे ही पड़ गई यार, बुरी तरह से पीछे पड़ गई। ओ माय गॉड, भागो यार, नहीं मर गई। इसका भी बॉडी गायब, मतलब क्या करे यार, बॉडी का घोटाला हो रहा है। चलो मीट उठाते हैं, अंडा उठाते हैं, चलो यहाँ से भाग लो यार, यहाँ पर बहुत कुछ किया हो कांड, कोई आएगा तेरा मीट भी छीनेगा, अंडा भी छीनेगा और तेरा सब कुछ छीनेगा। विशाल भाग ले यार। सो गाइज, इवो गेमिंग में अगर गेम्स पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से लाइक वाला बटन नीचे दबा दीजिए, क्योंकि धमाका होने वाला। भागो यार यहाँ से, भागो यार, भागने में सही रहेगा। चलो पहले तो अपना बेस देख लो किधर है। हाँ बेस पे मैंने टिक लगा दिया। चलो यार चलते हैं यहाँ से, चलते हैं, यहाँ रहना सही नहीं है, सेफ भी नहीं है। जॉम्बी तो अलग, लोगों से अलग डर लगता है, कल मुझे चटकाया है 5-5 बार यार। कुछ लोग तो बस मतलब कि बाहर ही घात लगा कर बैठे हुए थे, मतलब बाहर निकला नहीं था यार, ऑटोमेटिकली डोर ओपन और क्लोज वाला सिस्टम था। नज़दीक गया, डोर ओपन हुआ तो मैं बाहर आ गया, बाहर आया तो उसने चटका दिया मुझे, कमाल से मारा यार ये, मतलब ज़बरदस्त मारा था उसने, बढ़िया मारा था, मज़ा आ गया, उसको मज़ा आया मुझे नहीं। तो और मैं यहाँ से चलता हूँ यार, और देखता हूँ अपना जान बचा के भाग पाता हूँ या नहीं। क्या पता सामने से अगर कोई ऐसा दुश्मन ना आ जाए जो मुझे रास्ते में चटका जाए, और वो बिल्कुल मतलब मेरा मेहनत का फ़ायदा वो उठाए, और मैं बस वहाँ का वहाँ रह जाऊँ जहाँ था। भागो यार, घोड़ा का स्पीड तो ठीक ठाक है, 40 किलोमीटर पर आवर दे रहा है यार, अच्छा खासा स्पीड है। और मैंने आपको पहले ही बोला था मैप बहुत बड़ा है, मैं नज़दीक ही गया था, कोई बड़ा दूर नहीं गया था, लेकिन देखो मुझे कितना टाइम लगा, तो समझ सकते हो मैप इसका बहुत बड़ा है गाइस। और चलो यहाँ पे मैं तो आ गया हूँ, अंदर चलते हैं। ओके और देखते हैं कुछ करते हैं, कांड कांड क्या करना यार।
देखो यार, इसका ना घोड़ा कोई भी मार सकता है सच्ची में। वैसे भी ठीक ही किया है कि इतना सस्ता सैडल दिया है, ज़्यादा लकड़ी नहीं लगता है, तो घोड़ा जल्दी टेम भी कर लेता हूँ यार, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आता है। तो यार गेम बिल्कुल बैलेंस्ड मुझे लग रहा है, यहाँ तक तो मुझे बहुत बैलेंस्ड लगा। चलो क्राफ्ट करते हैं यार, क्राफ्टिंग टेबल है ये, क्राफ्ट इसको क्या बोलते हैं यार इस टेबल को। ओके रिपेयर स्टेशन नहीं लेंगे क्योंकि इसके लिए मेरे पास सामान नहीं है भाई। और यहाँ ग्लू हम ले सकते हैं क्योंकि मुझे ग्लू चाहिए होगा, ग्लू से हम कुल्हाड़ी बना पाएंगे। तो ग्लू मैं एक बनाने के लिए दे दिया यहाँ पे, क्योंकि बोन लगता था, मैं नहीं जानता था बोन कैसे मिलेगा, लेकिन बोन अब मुझे मिलने लगा है। और यहाँ से मैसिटी मैं चाहता हूँ पहले उसे अनलॉक कर दूँ, नहीं होने वाला है मसिट्टी अनलॉक। मसिट्टी अनलॉक इसलिए नहीं हुआ कि पहले आपको एक तरफ से अनलॉक करना पड़ेगा, तो कुल्हाड़ी को मैंने अनलॉक किया। चलो यहाँ देखते हैं कि क्या क्या अभी हम लोग कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं और क्या ले सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट सामान है सबको रख दो यहाँ पे। ओके स्क्रैप्स ले लो यार, क्योंकि अभी अभी बहुत सारा रिसर्च बाकी है। और अपना जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान है इसको यहाँ रखने में ही फायदा है, बाद में यूज़ करेंगे इसको। चलो अभी चलते हैं, अब अपने इस पर ओपन करो यार ओपन। चलो अभी अपना यहाँ पे मैंने दो बॉक्स रखा है, कोई ज़्यादा सामान नहीं रखता हूँ बॉक्स में भी, मतलब मैं जो भी सामान लाता हूँ यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अगर यूज़ नहीं करूँगा तो कोई वैसे भी लूट ले जाएगा, मुझे डर रहता है हमेशा लूटने का। तो देखते हैं यार, यहाँ से क्लेम कर लेते हैं अपना ग्लू बना हुआ था, और रिसर्च करते हैं यार, रिसर्च करते हैं अपना मसिट्टी। मसिट्टी रिसर्च हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं मसिट्टी रिसर्च नहीं होने वाला है, अपने को कुल्हाड़ी रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि मसिट्टी तो नहीं होने वाला रिसर्च, एक तरफ से ही रिसर्च होगा जो भी होगा। चलो हमने कुल्हाड़ी को रिसर्च कर लिया है, और इसका नाम है आयरन एक्स। और उसके बाद हम देख लो फूड में हम लोगों को पानी पहले रिसर्च करना, मतलब एक तरफ से ही रिसर्च करना होगा। आप चाहोगे कि जंप करके आगे चले जाएं, प्रोबेबली ये मुश्किल है गाइज, लेकिन हमें ना आर्मर बनाना पड़ेगा, आर्मर रिसर्च करना होगा। तो बहुत जल्दी ही कर लेंगे रिसर्च, अगर आप लोगों का बिल्कुल सपोर्ट रहा। मज़ा आया, मज़ा तब आता है जब आप लोग लाइक्स देते हो, कमेंट्स देते हो, तब ज़्यादा मज़ा आता है। और मज़ा जब आएगा तो तब तो खेलने में आगे बढ़ने का मन करेगा। तो देखते हैं यार यहाँ कुछ मिल जाए फर्नेस में। फर्नेस में मैंने बहुत सारा चीज़ पिघलने दिया था क्या, नहीं पिघलने नहीं दिया था, और मेरे पास कुछ है भी नहीं जो पिघलने दूंगा। तो चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं। ओके तो अपने पास अभी अंडा है, मीट है, ये सब चीज़ें अपने पास रख लेकर घूमना नहीं चाहिए, रख देना चाहिए। फूड वाला एक बॉक्स मैंने बना कर रखा है, कभी कभी फूड का ज़रूरत पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो अपने बॉक्स में ही फूड भी स्टोर कर लिया करते हैं, क्योंकि अगर फूड अपने पास एक्स्ट्रा रहेगा तो ही हम लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे यार। भूखे मरना भी बहुत अजीब है यार, एक बार मैं मर गया था, भूखे मर गया था, क्योंकि यार मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से फूड मिलेगा, बस इधर से उधर घूम रहा था, बस भूख से मर गया यार, कोई मारा भी नहीं मुझे। मुझे लग रहा था कि मैं मरूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ तक, मुझे पता नहीं था पानी कैसे मिलेगा। तो मैं इसी वर्क बेंच में आकर के रिसर्च किया, जैसे रिसर्च करते हैं, और वर्क बेंच में ही मैंने बना लिया ये क्या बोलते हैं ट्यूबवेल रिसर्च किया था। स्क्रैप चाहिए था पहले, मैंने स्क्रैप ले आया उसके बाद किया था। चलो इस वाले डब्बे को मैंने वहाँ से स्टील ले आया, मतलब आयरन बार्स जितने भी फर्नेस में बने हुए थे मैंने ले लिया है। अभी जितना भी मतलब मैं अपग्रेड कर सकता हूँ ना, जहाँ जहाँ मुझे आयरन लगाना है वहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि जितना कमज़ोर घर उतना आसान तोड़ने में, तो मैं तोड़ने में इतना भी आसान काम तो दूंगा नहीं, टास्क दूंगा नहीं, जो रेड करेगा थोड़ा मेहनत करो। तो मैं अंदर चलता हूँ और जितना भी मतलब अपग्रेड कर सकता हूँ कर देता हूँ यार, ये धरती को अपग्रेड कर देना चाहिए सही रहेगा या नहीं। वैसे भी ये बाहरी पार्ट है, पोर्शन तो बाहरी है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए है, अंदर उनको लगेगा कि ये अंदर है, बट ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने बाहरी बस ऐसे ही एक्स्ट्रा पोर्शन दे दिया। चलो यहाँ से मैं इससे भी अब आयरन का बना देता हूँ, क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने स्टोन का बनाया था, अब सब कुछ को आयरन, जितना मैं आयरन कर पाऊँगा मैं आयरन का कर देता हूँ, जितना ज़्यादा स्ट्रांग बेस बना सकता हूँ मैं बना लेता हूँ। उसके बाद ही यहाँ से हम लोग अटैक करने का कुछ और भी सिस्टम लगाएंगे इस पर, ताकि हम लोग लड़ सके, अंदर से ही लड़ सके, अगर बाहर से कोई रेड करने आ भी जाए
तो हम लोग लड़ सकें। तो देखते हैं, और तो हमारे पास रिसोर्स ख़त्म हो गया, हमारे पास आयरन बार्स ख़त्म हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि बहुत सारा आयरन इकट्ठा करके, नेक्स्ट वीडियो में हो या नहीं हो बट, लेकिन बहुत सारा इकट्ठा करके मैं ना इसे अपग्रेड कर लूँगा। तो ये बहुत ही आसान गेम है गाइस, आप एक दो बार थोड़ा दिक्कत होगा शुरू के टाइम में लगेगा, तो आप गेम प्ले देख लिया करो कि कैसे किसने कैसे क्या क्या किया, उसके बाद तो आपको भी मज़ा आ जाएगा गेम खेलने में। और जब भी आपको लगे कि भाई अकेला हूँ गेम खेलने में, तो भाई दो रिक्वेस्ट, मैं भी आऊँगा आपके साथ और सपोर्ट करो, क्योंकि ये गेम 21वीं सदी का बेस्ट गेम होने वाला है मुझे लगता है, अनरियल इंजन 5 पर बना बेस्ट गेम। तो गाइज बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।